पचगांव में गहराया पेयजल संकट, मोइंस पानी के लिए भटक रहे ग्रामीण। सौ ब्लॉक गोवर्धन की ग्राम पंचायत पचगांव में खराब पड़े नलकूप लोगों के लिए समस्या बने हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक सप्ताह में हैंडपंप सही कराने के कड़े आदेश होने के बावजूद भी ग्रामीण एक लगभग एक माह ऐसे ही पानी के लिए भटक रहे हैं। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जनता अगेंस्ट करप्शन संगठन के जिला सचिव प्रशांत कुंतल ने बताया कि यह हैंडपंप काफी दिन ऐसे ही खराब पड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कड़े आदेशों के बाद भी कोई इनकी खबर लेने वाला भी नहीं है। आधे से ज्यादा लोग ये जो नल आप देख रहे हैं, इस नल से पानी लेने के लिए आते हैं, और ये नल कम से कम मेरे हिसाब से एक डेढ़ महीने से खराब पड़ा है। लगातार ग्राम प्रधान व अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। रोजाना सुबह शाम का आश्वासन मिल रहा है कि शाम को हो जाएगा, सुबह रिपेयर हो जाएगा, लेकिन अभी तक न नल रिपेयर हुआ है। और अब तो अधिकारियों से उम्मीद भी नहीं रही है, क्योंकि डेढ़ महीने हो गए हैं। डेढ़ महीने से समस्या का समाधान अगर उन्हें कराना होता तो अब तक शायद हो जाता जी। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता से अधिकारियों से अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस नल को रिपेयर कराएं, क्योंकि बचगांव में पानी की का काफी गहरा संकट है जी। जनता काफी परेशान है, जल्द से जल्द इसकी समस्या का समाधान कराने की कृपा करें। अच्छा, तो सर ये पानी जो है बाहर की साइड में खारा पानी है या ऊपर ही मीठा पानी है, ये की नल बचा ये पीने योग्य? हमारे गांव में मात्र 2% नल ऐसे हैं जो कि मीठे पानी के, उनमें से आधे खराब पड़े हैं जी। एक दो नल सही है जी। अब पूरे गांव का पानी एक दो नल से तो काम हो नहीं पाएगा। इस नल पर कितनी फीसदी औरतें या बच्चे आदमी पानी भरने आते हैं? गांव के 50% के लगभग।